हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, ये जो आप दिख रहे हैं मेरी, ये मैंने दो कटिंग्स लेकर आई हूँ। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग है। तो ये जो सीज़न चल रहा है मॉनसून वाला सीज़न, इस टाइम पे ना किसी भी प्लांट की, इंडोर प्लांट है आउटडोर प्लांट है, जो कटिंग से इजीली लग जाते हैं, उनकी कटिंग इस टाइम पे ग्रो करना बहुत आसान है। बहुत ही आराम से और बहुत आसानी से ग्रो होती हैं। तो मैं ना, मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1 वीक अप्रॉक्स हो गया, तो मैं दो कटिंग लेकर आई थी सॉन्ग ऑफ इंडिया की। देखिए, एक तो ये इस तरीके से वेरीगेटेड आ रही है, एक ये ग्रीन आ रही है जो बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड निकल रही थी। मेरी सोसाइटी में सॉन्ग ऑफ इंडिया के जो पेड़ लगे हुए उनके साइड से ही कटिंग निकल रही थी, तो ये मैंने तोड़ ली थी, ये मैंने तोड़ ली थी, तो मैं दो कटिंग लेकर आई थी। तो अभी इसको जो टाइम हो गया है, इसको ना अराउंड 10 डेज हो गए, तो मैंने इसको इसी में पानी में इसी तरीके से डाल के रखा हुआ था। तो अभी तो इसमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कुछ फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसमें धीरे धीरे तो इसमें थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट है, इसमें इतना नहीं दिखाई दे रहा। तो मैंने सोचा कि इसको मैं मिट्टी में लगा, एक कटिंग मैं अपने मिट्टी में लगा लेती हूँ पॉट में, और एक कटिंग मैं इसको पानी में ग्रो करती हूँ। जब तक इसकी रूट्स नहीं आ जाएंगी तब तक मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक मिनट में थोड़ा जूम करती हूँ, फोकस करती हूँ इस पर। अगर आप देखेंगे ना, देखो साइड से इसकी छोटी छोटी सी पत्तियां निकल कर आ रही हैं, फोकस नहीं हो पा रहा है अभी। हाँ, और देखिए इसमें ये रूट्स वाइट वाइट ही आपको दिख रही है, ये देखिए ये वाइट वाइट छोटी छोटी सी रूट्स ही निकल कर आ रही हैं पानी में। तो अभी तो मैं इसको कुछ दिन और पानी में रखूँगी, अभी मैं इसको प्लांट नहीं करूँगी। बट इसमें भी थोड़ा सा कुछ विजिबल था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा के देखती हूँ। अगर ये ग्रोथ करा मेरा, अगर इसकी कटिंग सूख गई तो इसका मतलब ये नहीं चली, अगर ये ग्रोथ कर गया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्ट कटिंग ला कर मिट्टी में भी लगा देते हैं तो वो भी चल जाती है। तो मैंने अभी तो कुछ दिन इसको तो पानी में ग्रो करना है, इसको मैं मिट्टी में लगा रही हूँ। तो इस तरीके से आप, अगर इस टाइम पे मॉनसून में इतना अच्छा है ना कि अगर आप मॉनसून में कोई भी कटिंग लगाएंगे ना, किसी भी पेड़ की जो चल जाती है आराम से, अगर आप कट करके अच्छे से ला रहे हो, तो इस टाइम पे बहुत अच्छे से और फास्टली ग्रो करेगी। क्योंकि टाइम इतना ह्यूमिडिटी वाला है, इतना अच्छा टाइम चल रहा है कि इस टाइम पर कोई भी कटिंग बहुत आसानी से चलेगी। तो मैंने इस मिट्टी में, अब मैंने ये जो मेरा पॉट है बहुत छोटा सा है, सिरेमिक का पॉट है, तो अगर इसमें मेरी कटिंग चल गई तो मैं इसको बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो पता चल ही जाएगा जब कटिंग, ये नहीं सूखेगी एक हफ्ते में, और इसमें न्यू लीव्स फॉर्म हो जाएंगे, दैट मीन्स की कटिंग मेरी चल गई है, इसमें रूट्स फॉर्म हो गई हैं। तो एक मैं पानी में ग्रो कर रही हूँ और एक मैं सॉइल में ग्रो कर रही हूँ। तो जो मैंने सॉइल का वो आपका जो मिक्सचर बनाया है, जो मैंने इसमें पॉटिंग मिक्स तैयार करी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मेरी मिट्टी है, इसे मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, मिट्टी है और थोड़ा सा सैंड है, ताकि जो मिट्टी है मेरी वो पोरस है। तो मिट्टी काफ़ी अच्छी पोरस है, तो वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें मिला दिया है। और जो मेरा वर्मी कंपोस्ट है उसमें इस बार मैं जो लाई हूँ, कंपाइल्ड वाला वर्मी कंपोस्ट लाई हूँ, जिसमें ऑलरेडी फंजीसाइड भी है, उसमें आपकी नीम खली भी है, और भी 2-4 चीज़ें हैं जिससे मिलकर वो उसको बनाया गया है। तो उसमें सिर्फ उसके अलावा मुझे कुछ और डालने की नीड नहीं है। तो फिलहाल मैंने इसमें वही सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो अब देखते हैं इसको कि इसका कितने दिन में रिजल्ट आता है, ये सूखती है नहीं सूखती। बट हाँ, इसमें ये रूट, इसमें पक्का रूट जर्मिनेट हो रही है। तो पहले अगर आप चाहें तो पानी में ग्रो करें, पानी में ग्रो करने के बाद फिर आप किसी बड़े पॉट में इसको लगा दें जब इसमें रूट्स जर्मिनेट हो जाएं। तो इस तरीके से आप सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग लगा सकते हैं, और ये टाइम बहुत अच्छा है कटिंग लगाने का, बहुत अच्छे से कटिंग चलेंगी और ग्रो भी करेंगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बने रहिए आप मेरे चैनल हमारा बगीचा पे।